देखिए ये अशोक का पेड़ लगा दी, कितना बड़ा हो गया। देखिए जी ये देखिए जी आंवला लगा हुआ है और एक अशोक जी लगा हुआ है। देखिए जी ये हमारे अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय बिजावर के कैंपस में ये पौधारोपण हमने 2002 में कराया था और देखिए उसकी प्रगति देखिए कितनी बढ़िया आज हम देख रहे हैं। 21 जून 2021 का दिन है। ये देखिए ये इतना बड़ा पौधा हो गया है। देखिए ये अशोक का है। इसमें अपन और आगे चलते हैं। ये देखिए ये मीठी नीम है। भाई देखिए कैसे हजारों की संख्या में पौधे तैयार हो गए हैं मीठी नीम के। देखिए लगे ये हमारे ले जाने वाले इनको बढ़िया हम गिफ्ट करते रहते हैं। लोग बाग आराम से ले जा, देखिए जी लहलहा रहे हैं। इसको निकाल करके हम लोग देते रहते हैं। ये देखिए इधर ये देखिए ये गुड़हल है। ये पूरा 2002 में लगा है। जब मैं यहाँ पर अनुभागीय कृषि अधिकारी के रूप में यहाँ निवास करता था तब मैंने ये पौधे लगाए थे। ये देखिए पीपल कितना बड़ा हो गया। देखिए जो हमारे शुद्ध ऑक्सीजन 24 घंटे देता है ये प्लांट है। ये देखिए मोरपंखी यही लगी है। ये देखिए ये मोरपंखी लगी है। कितने तो फल भी लगने लगे इसमें, है नी। तो ये हमारे ये अच्छे काम करने का तरीका है। देखिए जी ये देखिए नींबू लगा है, ये गुलाब लगा है। देखिए इस तरह से और आगे आई ये और पौधे लगे हैं। देखिए फूल वाले हैं इस तरह से। देखें कुछ पौधे हैं जो हमारे डिस्टर्ब हो गए हैं। ये देखिए चांदनी लगा है। ये हमारा चले आओ चले आओ, ये चांदनी का पौधा लगा। देखिए कितने बढ़िया फूल लहला रहे हैं। और इसमें अपन और आगे जाएंगे तो इसमें देखिए अमरूद लगा हुआ है। देखिए जी अमरूद है, अमरूद ये फलता भी है। ये देखिए ये अमरूद लगा है। तो जी हमने जो है 2002 में ये पौधे लगाए थे। चारों तरफ से इसमें बाउंड्री है इसलिए हमारे पौधे ये सुरक्षित हैं। तो मैं अपने देखने वालों को और पौधा लगाने वाले जो वातावरण प्रेमी हैं उन लोगों को एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ किस तरह से पौधे आप लोग भी लगाएं और पौधों से मिलने वाले लाभों से लाभान्वित हों। देखिए पीपल का कितना बड़ा पौधा हो गया। तो ये बहुत अच्छा काम है पौधरोपण का और ये मानव जीवन को स्वस्थ बनाने का और मानव जीवन को अमर बनाने का अमृत प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन मिलती है, ये हमारे छाया देते हैं, कई तरह के फल देते हैं, खाद के लिए पत्तियां देते हैं। इस तरह से ये हम अपने देखने वालों को समय समय पर अपनी उपलब्धियां दिखाते रहे। देखिए ये मीठी नीम है, बहुत अच्छे पकवानों में उपयोग होती है ये। ये देखिए लहलहा रही है। ये इस तरीके से है जो हमारे देखने वाले हैं बड़े रोमांचित होकर इसको देखते हैं। कितने बड़ी संख्या में पौधे तैयार हो गए मीठी नीम के। ये मीठी नीम देते हो लोग वहाँ को? देखो जी हमारे यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता हैं श्री पानखा हैं। ये बता रहे हैं कि मीठी नीम के पौधे हम ये वितरित करते रहते हैं, हैं जो भी मांगता है उसको देते रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अनुविभागीय कृषि अधिकारी बिजावर का कैंपस है जो बड़ा अच्छा हरा भरा है और जिला छतरपुर का ये यूनिक एक ऑफिस है जो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा मेंटेन है। मैं डॉक्टर बीपी सूत्रकार सहायक संचालक कृषि छतरपुर से हूं और आज भी मैं अनुविभागीय कृषि अधिकारी बिजावर के प्रभार में हूं। और ये मेरी 19 साल पहले जो उपलब्धियां थीं उनका हम ये बखान जो है आज 18 साल बाद कर रहे हैं। तो मैं अपने देखने वालों को चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और इसकी चर्चा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।